फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग, आई होप एकदम मस्त होंगे। तो गाइस अभी देख रहे हैं कि हम आ गए हैं रांची के होंडा बिग विंग ईस्ट रांची में। ये शोरूम है ओल्ड एचबी रोड में। अब यहाँ पे आपको होंडा की प्रीमियम गाड़ी देखने को मिल जाती है और आज जिस गाड़ी का हम रिव्यू करने वाले हैं वो है होंडा की CB350cc की। और ये कम्प्लीट इसके 1 ईयर एडिशन होने के बाद अब ये आता है, आपको बिल्कुल देख सकते हैं गोल्डन कलर में आ जाता है। तो आज के इस वीडियो में इस गाड़ी का डिटेल रिव्यू करेंगे, ऑन रोड प्राइस बताएंगे, माइलेज क्या है, बेस्ट कौन कौन से फीचर्स हैं, टॉप स्पीड क्या है, सभी कुछ आज इस गाड़ी से रिलेटेड बताने वाले हैं। डाउन पेमेंट की क्या फैसिलिटी है, डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा, यानी अगर आप इस गाड़ी को लेना सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। एक्चुअली आप एक बार इस गाड़ी का सिनेमेटिक शॉट्स देखिए, उसके बाद गाड़ी का रिव्यू को स्टार्ट करें। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इस गाड़ी के सबसे फ्रंट सेक्शन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो हेडलाइट है वो आपको फुली राउंड शेप में देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ बॉर्डरिंग एरिया पे क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। और अगर इसकी हेडलाइट की बात करें तो ये आपको फुली LED के सेटअप में देखने को मिलेगा, यानी हेडलाइट से लेकर टेल लाइट तक, यहाँ तक कि इंडिकेटर भी आपको फुली LED के सेटअप में देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में नंबर प्लेट ऑप्शंस भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। और इसका जो हेडलाइट है ये फुली नेकेड है, यानी वाइजर सेक्शन की बात करें तो फुली नेकेड है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन भी कंपनी यूज कर देती है, जिसकी डायमेंशन की बात करें तो 35-40 mm के बीच में अप्रॉक्स हो सकता है। फ्रंट फेंडर की बात करें तो फ्रंट फेंडर आप देख सकते हैं कि मेटालिक ग्रीन कलर्स में आपको देखने को मिल जाती है। बाकी फ्रंट टायर साइज की बात कर ले तो यहाँ पे आपको 100x90 19 इंच के ट्यूबलेस टायर कंपनी प्रोवाइड कर देती है, जो कि डुअल डिस्क के साथ डुअल चैनल ABS में आपको ये गाड़ी देखने को मिल जाते हैं। बाकी आप देख सकते हैं फ्रंट फेंडर भी आपको डुअल कलर टोन के साथ, यानी मेटालिक ग्रीन के साथ, बीच बॉर्डरिंग एरिया में आपको मैट ब्लैक काफी कंपनी यूज कर देती है, जो कि काफी हैवी टाइप का यहाँ पे कंपनी यूज करती है मटेरियल। फ्रंट में अगर इसकी हॉर्न की बात करें तो यहाँ पे आपको डुअल हॉर्न भी देखने को इस गाड़ी में मिल जाते हैं। इस गाड़ी को बेहतरीन पावर देने वाले इंजन की बात कर ले तो यहाँ पे आपको 348.36 cc का इंजन कंपनी प्रोवाइड कर देती है, जो कि 4 स्ट्रोक में SI इंजन के साथ रहती है। 21.07 PS की मैक्सिमम पावर जनरेट करती है 5500 RPM पे। 30 Nm की मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करती है 3000 RPM पे। तो भाई काफी बेहतरीन है ये गाड़ी। और अगर इसकी एग्जॉस्ट की बात करें तो बिल्कुल रॉयल इनफील्ड के जैसा क्रोम की फिनिशिंग में एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं, काफी बेहतरीन लगता है। बीच में होंडा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। फुटरेस्ट की बात करें तो ये आपको एडजस्टेबल फुटरेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं, साथ ही साथ मेटालिक ग्रीन के साथ जो क्रोम के फिनिशिंग कंपनी का यूज है ना, काफी बेहतरीन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनिवर्सरी एडिशन का यहाँ पे एक कंपनी गोल्डन कलर में लोगो लगा के काफी ज्यादा इसके लुक को इन्हांस कर देती है। ऑयल टैंक पे होंडा का गोल्डन कलर एडिशन में आपको लुक मिल जाता है, काफी बेहतरीन प्रोवाइड करती है। और ये आपको मेटालिक ग्रीन कलर के साथ बीच में ब्लैक का भी आपको कलर टोन देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ ऊपर में 1 complete edition आपको एनिवर्सरी एडिशन का ब्रांडिंग मिल जाता है। मीटर कंसोल आपको फुली एनालॉग ये गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ मैं बात कर लूँ इस गाड़ी की गियर की तो यहाँ पे आपको 5-speed टॉप गियर बॉक्स के साथ आपको ये गाड़ी देखने को मिल जाता है। अब मैं बात कर लेता हूँ इस गाड़ी की ऑयल टैंक की कैपेसिटी की, तो 15 लीटर की ऑयल टैंक की कैपेसिटी है। रियर टायर साइज की बात करें तो 130x70 18 इंच में इसके ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, जिसकी ब्रेक डायमीटर की बात करें तो 240 mm की ब्रेक डायमीटर, डिस्क ब्रेक की डायमीटर मिल जाती है, जो कि डुअल चैनल ABS में, यानी फ्रंट में भी ABS है और रियर में भी ABS है। अब मैं बात कर लेता हूँ इस गाड़ी के रियर सस्पेंशन की, यानी पीछे वाले शॉकर की, तो यहाँ पे आपको ट्वीन टाइप का हाइड्रोलिक शॉक विद 5-step एडजस्टेबल सस्पेंशन आपको यहाँ पे कंपनी यूज कर देती है। बाकी मैं बात कर लूँ अगर इस गाड़ी की सीट की तो बिल्कुल रॉयल इनफील्ड बुलेट के जैसा है, यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट देखने को मिल जाती है। जिसकी कुशन की बात करें तो काफी अच्छा इसकी कुशनिंग भी है, काफी सॉफ्ट टच में आपको ये गाड़ी देखने को मिल जाएगा, यानी इसके जो सीट है वो काफी सॉफ्ट में, ग्रैब हैंडल आप देख सकते हैं मेटल में ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा मजबूत है।
सीट के नीचे आप देख सकते हैं होंडा की ब्रांडिंग। रियर में लाइट की बात करूँ तो ये फुली एलईडी के सेटअप में देखने को मिल रहा है। नंबर प्लेट ऑप्शन के जस्ट ऊपर एक एलईडी लाइट कंपनी यूज कर देती है। साथ ही साथ साइड में बात कर ले हुए लेडीज पिलियन फुटरेस्ट की, तो यहाँ पे फुटरेस्ट भी एडजस्टेबल है। आप यहाँ पे साड़ी गार्ड देख सकते हैं, साड़ी गार्ड भी आपको कंपनी मेटल का यूज कर देती है, जो कि काफी हैवी टाइप का यहाँ पे कंपनी यूज मेटल का कर देती है। और यहाँ पे आपको सीट खोलने के लिए एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाकी चैन कवर की बात करें तो ये फुली ओपन चैन है, ये कवर चैन आपको नहीं मिलता है। विथ साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ के साथ आपको ये गाड़ी देखने को मिल जाती है। गाड़ी की टोटल लेंथ की बात करें तो 2163 mm की टोटल लेंथ है। टोटल हाइट 1107 mm की, सीट हाइट आपको 800 mm की ये गाड़ी में देखने को मिल जाती है। कर्व वेट की बात करें तो 181 kg की इस गाड़ी की कर्व वेट आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ इस गाड़ी के जो मीटर कंसोल में आपको रियल टाइम माइलेज भी देखने को मिलते हैं, यानी आपका गाड़ी कितने का स्पीड में कितना माइलेज जनरेट करी है वो भी देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ इस गाड़ी में होंडा का स्मार्टफोन वॉइस कंट्रोल सिस्टम का भी फैसिलिटी आपको ये गाड़ी में देखने को मिलता है। हजार्ड स्विच भी मिलता है। लेफ्ट हैंडल बार में वही पास लाइट, हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर और हॉर्न के स्विच मिलते हैं। राइट हैंडल बार में सेल्फ के ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपको अपनी सिटी का ऑन रोड प्राइस जानना है तो आप अपने सिटी का ऑन रोड प्राइस एक बार कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको आपके सिटी में इस गाड़ी का क्या ऑन रोड प्राइस है, डाउन पेमेंट की क्या फैसिलिटी है, वो सारा कुछ बताऊंगा। ये गाड़ी का ऑन रोड प्राइस रांची बिग विंग में 2,08,000 के अप्रॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी राइट साइड में देख सकते हैं इंजन किल स्विच ऑन ऑफ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। स्पीड आरपीएम आपको यहाँ पे एनालॉग मिलते हैं, बाकी सभी के सभी डिजिटल देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप राइट साइड में देख रहे हैं न्यूट्रल, इंजन मालवेयर, फंक्शन सभी सभी डिजिटल हैं। स्पीड का आरपीएम आपको एनालॉग देखने को मिलता है। गाड़ी 350 cc में होंडा की काफी बेहतरीन गाड़ी है। और ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं रांची बिग विंग शोरूम, जो कि आपको कोकर रोड से आगे देखने को मिल जाता है। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय